हेलो दोस्तों, गुरुकुलम द यूनिक पॉइंट ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हेमंत पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि टाइम रिस्पांस के में सिग्नल किस तरह से बिहेव करता है, जिसमें हमने बताया था आपको दो तरह से फिनोमेना होता है। एक आपका ट्रांजिएंट होता है, जो कि टेम्पररी होता है। दूसरा हमने बताया था आपको स्टेडी स्टेट, जो कि फाइनली में सेटल डाउन होता है। अब हम इसका इफेक्ट देखेंगे, किस तरह से स्टेडी स्टेट एरर आती है और कैसे निकल के आती है। उसके बाद हमने सिग्नल जो पढ़ाए थे, हमने आपको यूनिट स्टेप बताया था, रैंप बताया था, पैराबोलिक बताया था, इम्पल्स बताया था। अब वो इम्पल्स, यूनिट स्टेप, इन सब जितने भी सिग्नल हमने पढ़ाए हैं, इनकी स्टेडी स्टेट एरर क्या आएगी वो देखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो सिग्नल आता है, पहला सिग्नल हम देखते हैं, ये है हमारा यूनिट स्टेप। यह हम इनपुट इन स्टेप इनपुट इन स्टेप, इसके लिए आरएस की वैल्यू हमने निकाली थी। क्योंकि हम ये मान लेते हैं ये कोई मैग्नीट्यूड है इसका सिग्नल का, और स्टेडी स्टेट एरर का जो फार्मूला आता है निकल के, वो आता है लिमिट एस टेन टू जीरो एस आर एस वन प्लस जी एस एच एस। इसका एक डेरिवेशन है जो हम आपको कराया है, इसके बाद भी करा देंगे एक और बार। ये इसका बेसिक कॉमन फार्मूला है, जो कि सब में यूज होना है स्टेडी स्टेट एरर का। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए आर एस की, ये हो जाएगा लिमिट एस अटेन टू जीरो एस आर एस हो जाएगा ए वाई एस वन प्लस जी एस एच एस। एस से एस कैंसिल हो जाएगा, एक मिनट, एस से एस कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू रखने पर क्या आ जाएगा, ये लिमिट अंदर आ जाएगी, ए अपॉन वन प्लस लिमिट एस अटेन टू जीरो जी एस एच एस। तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं, जो लिमिट लिमिट एस अटेन टू जीरो जी एच एच एस, ये हमारा हो गया इज कांस्टेंट कांस्टेंट, जिसको हम पोजिशनल डिस्टर्ब कर रहा है आज पेन, जिसको हम पोजिशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसको डिनोट हम करते हैं केपी से। तो इसकी स्टेडी स्टेट एरर क्या आ जाएगी, ए अपॉन वन प्लस केपी, ये यूनिट यूनिट नहीं बोल रहे क्योंकि इसमें अपने ए माना है। ये आगे स्टेप रिस्पॉन्स के,
अब अगला सिग्नल हमारा आता है अगला सिग्नल आता है हमारा ये, अब इसके बाद हम अब करेंगे अगला सिग्नल। अगला सिग्नल क्या होता है इसको देखो, इसमें जो स्टेडी स्टेट एरर जब हम डिफाइन कर रहे हैं, स्टेडी स्टेट एरर किस तरह से आएगी वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसका अगर हम डायग्राम बनाए तो ये तो हमारा स्टेप बन गया जो कि हमने कल बताया लास्ट लेक्चर में। इसके बाद जो इसमें देखो स्टेप हो गया, इसकी जो स्टेडी स्टेट एरर आएगी इस तरह से जाएगी ऐसी, ये जो एरर हुई ए हो गई, इसको बोलेंगे स्टेडी स्टेट एरर, जो कि आ रही है ए अपॉन वन प्लस पीपी। अब शुरू करते हैं रैंप की बात कर लेते हैं। अगला सिग्नल है हमारा रैंप, नंबर दो पे है रैंप। इनपुट इन देखिए स्टेडी स्टेट एरर तो वही रहेगी, ई एस एस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लिमिट एस अटेंड टू जीरो एस आर एस एस अपॉन वन प्लस जी एच एच एस, ठीक है। अब रैंप सिग्नल के लिए जो हमने लाप्लास निकाला था लास्ट लेक्चर में वो क्या निकला था, वो निकला था हमारा आर एस बराबर वो आया था ए अपॉन एस स्क्वायर। तो इसमें भी रख दो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये लिमिट एस अटेंड टू जीरो एस ए वाई एस स्क्वायर वन प्लस जी एस एच एस, इससे इसकी पावर कैंसिल हो गई, ये आ गया लिमिट एस अटेंड टू जीरो ए अपॉन एस वन प्लस जी एस एच एस। ये हो गया लिमिट एस अटेंड टू जीरो एस प्लस एस जी एस एच एस, ये हो गया ए अपॉन जे एस प्लस जी एस। अब यहां पर हमने वैल्यू रख दिए लिमिट लिमिट को अंदर रख रहे हैं इसलिए ये हट जाएगा पूरा, ये हट जाएगा इस तरह से। तो यहां पर बचेगा ये तो जीरो हो गया लिमिट
एस अटेंड टू जीरो एस जी एस एच एस स्टडी स्टेट एरर की बात हो रही रैंप में। तो लिमिट एस अटेंड टू जीरो एस जी एच एच एस ये हमारा क्या हो गया कॉन्स्टेंट है जो कि यहाँ पर चलेगा, यह है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट जिसको हम बोलते हैं कॉल्ड वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। जिसको हम डिनोट करते हैं के बी से। तो अभी पूरा इसमें क्या हो जाएगी एस बराबर हो जाएगा ए अपॉन के बी। अगला आता है आपका लास्ट, पहले हम इसका एक और बता दे रहे हैं कि इसकी वेब फॉर्म किस तरह से बनेगी। इसमें जैसे कोई रैंप फंक्शन इस टाइप का बन रहा था आपका, ये रैंप फंक्शन था, इसमें एरर इस टाइप की आ रही है। ऐसी बन जाएगी इधर, इसमें जो थोड़ी सी एरर है वो हो जाएगी। जो एरर है ये वाली, इसको बोलेंगे ई एस एस ए अपॉन ए बी। अगला आपको जो सिग्नल आएगा अगला सिग्नल है आपका पैराबोलिक नंबर तीन। पैराबोलिक मैग्नीट्यूड क्या है ये। तो जो सिग्नल बनता था पैराबोलिक में वो क्या आता था आर टी बराबर ए वाई टू टी स्क्वेयर। जब हम इसका लाप्लास ले रहे थे क्या आ रहा था, इसका लाप्लास आ रहा था ए वाई एस थ्री। स्टेडी स्टेट एरर क्या पढ़े हैं जो कि तीनों में कॉमन है, लिमिट एस अटेंड टू जीरो एस जी एस वन प्लस जी एस एच एस। अब इसमें वैल्यू रख दो आर एस की, जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी लिमिट एस अटेंड टू जीरो एस इंटू ए वाई एस थ्री वन प्लस जी एच एच एस। इससे एक कैंसल हो जाएगा लिमिट एस अटेंड टू जीरो ए नीचे आ जाएगा एस स्क्वायर
वन प्लस जी एस एच एस इस तरह से, जो कि जिसमें आगे हम बढ़ेंगे। अब हमने इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, लिमिट ए एस अटेंड अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर जी एच एच एस जब हमने वैल्यूज की अब रखें तो लिमिट कैसे अंदर जाएगी, ए अपॉन 0 प्लस लिमिट एस अटेंड टू 0 एस स्क्वायर जी एस एच एस। अब ये क्या हो जाएगा आपका, अब हो जाएगा आपका, तो हम क्या, ये है आपके स्टेडी स्टेट एरर। तो लिमिट एस अटेंड टू 0 एस स्क्वायर जी एस एच एस, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट कॉल्ड एक्सेलरेशन कांस्टेंट। कॉन्स्टेंट डिनोटेड बाय ए, ए ये बन के आ गया हमारा ई एस एस बराबर ए अपॉन ए ए। इसको हम सिग्नल के फॉर्म में किस तरह से नोट कर सकते हैं, देखिए बस होने वाला है लास्ट है। इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ये कोई पैराबोलिक सिग्नल ऐसा बड़ा। अब इसमें एरर कैसे आएगी, इसमें एरर इस टाइप की आएगी, ये हो गया आपका सी टी, ये हो गया टी, ये आपका हो जाएगा ई एस एस बराबर ए अपॉन, सॉरी ए अपॉन के ए, जो एरर है जो इतनी यहां पर आ रही है वो ही। तो इस तरह से हमने तीनों सिग्नल देखे, तो जो स्टेडी स्टेट एरर आ रही है सबसे पहले स्टेप के लिए, स्टेप के लिए आ रही है वन अपॉन के पी, दूसरा रैंप के लिए स्टेडी स्टेट एरर आ रही है वन अपॉन के वी, तीसरा पैराबोलिक के लिए स्टेडी स्टेट एरर आएगी वन अपॉन के। इस तरह से हम निकाल सकते हैं और सिग्नल में एरर देख सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन एक दो आ जाते हैं। तो हमने आज सबसे पहले आपको यूनिट स्टेप के लिए बताया था, स्टेप रिस्पॉन्स के लिए इसमें जो लाप्लास ए बाई एस आता था, जो स्टेडी स्टेट एरर का स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसमें आर एस की जब वैल्यू रखते हैं तो जो वैल्यू आती है वो आएगी वन बाई, इसमें केपी ये हो जाता है जी एच एस एस, यहाँ देखो एस नहीं है, सिंपल जी एच एस एस आता है, तो वो हो जाता है पोजिशनल कॉन्स्टेंट, जिसको अपन बोलते हैं स्टेडी स्टेट एरर में ई एस एस बराबर ए अपॉन वन प्लस केपी, इसका इस तरह से एरर आएगी। दूसरा है रैंप,
रैम पे में एरर सेम है, लेकिन इसमें जो आर एस की वैल्यू होती है वो ए वाई एस स्क्वायर आ जाती है। जब हम इसको इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो वो वैल्यू आ जाती है हमारी ई एस एस बराबर 1/kV। रैम पे इस तरह से सिग्नल बढ़ता है। आगे चलें पैराबोलिक। पैराबोलिक में जो आर एस की वैल्यू आती है 1/a3 1/s³ आता है, और इसमें जब हम वैल्यू रखते हैं तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड फार्मूला स्टेडी स्टेट एरर का, जब हम इसमें रख दिए तो इसमें हमारा जो काट फिट कर आता है 1/a/kA। तो इस तरह से हमारी और जो इसका सिग्नल बनेगा इस तरह से हमारा सिग्नल बनता है। तो थैंक यू, अगले लेक्चर में हम आपको इसके आगे का पार्ट बताएंगे, जिसमें हम अब इसको टाइप 0 टाइप 1 टाइप 2 में एरर निकाल के देखेंगे उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो थैंक यू।